हे एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटर्मिनर्स सो वील सी दैट व्हाट आर डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिटर्मिनर्स एक्चुअली होते क्या है डिटमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के पहले रखते हैं और वो क्या करते हैं इट मेक इट क्लियर वॉट द नाउन रेफर्स टू नाउन किसको रेफर कर रहे हैं उसको क्लियर करते हैं या डिटर्माइन करते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा आर्टिकल्स जिसका सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ क्वेंटिफायर्स डेमोन्स्ट्रेटिव पजेस्टिव प्रोनाउन डिटर्मिनर्स नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटि डिफरेंस वर्ड्स एंड प्री डिटर्मिनर्स सो वन बाई वन इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज आई विल बी कवरिंग अप ऑल द डिटर्मिनर्स ओके सो टुडे विल स्टार्ट विथ क्वांटिफायर्स हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और डिटर्मिनर्स में यानी कि सेंटेंस में इन डिटर्मिनर्स का यूज़ हम किस वे में करते हैं ओके okay. सो so पहले देखेंगे कि क्वांटिफायर्स कौन कौन से हैं क्वांटिफायर्स के अंदर हम उन्हें काउंट करेंगे जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमको हम उन्हें यूज़ करते हैं Okay, we can use these quantifiers with countable and uncountable now. So, first of all, we will talk about all, some, see, you just need to see in this way all, no, some, any, more, most, a lot of, lots of, enough, and less. आपको इन्हें इन्हीं सीक्वेंस में देखना होगा जब आप ऑल को देख रहे हो तो कंपैरिजन फॉर्म में आपको नो no देखना है सम के साथ एनी मोर मोस्ट लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ इनफ एंड लेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फॉर ऑल ऑल की हम बात करें तो ऑल को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं ठीक है बट ऑल को हम सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज नहीं करेंगे जस्ट टेक केयर ऑफ दिस ओके एवरी पर्सन और इन द वर्ल्ड और इन द ग्रुप ऑफ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ठीक है तो ऑल का मतलब है एवरी पर्सन और थिंग इन द वर्ल्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काउंटेबल नाउंस में हम यूज करेंगे इनको जब ये प्लूरल होंगे ओके okay? एक, एक से सॉरी एक से ज्यादा होने चाहिए अनकाउंटेबल नाउन री वेल दैट वॉट आर दिन काउंटेबल नाउन्स तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप ऑल को यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखूंगी चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन क्या है प्लूरल नाउन ऑल चिल्ड्रन शुड कम्प्लीट द प्राइमरी कोर्स ओके ऑल चिल्ड्रन शुड कंप्लीट द प्राइमरी कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन डिसीजन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट दिस डिस प्लूरल एंड हियर चिल्ड्रेन दिस वन इज ऑल्सो प्लूरल तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप और को लोगे और सेंस में बात करेगा सबके बारे में ओके वेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन ऑल चिल्ड्रन मतलब हर एक बच्चा ठीक है ही सून लॉस्ट ऑल होप ऑफ बिकमिंग अ रॉक स्टार तो ऑल होप होप इज अनकाउंटेबल एबस्ट्रिक ना होना है सो ऑबियस तो एबस्ट्रिक को आप अनकाउंटेबल काउंट कर सकते हैं तो दिस इज अनकाउंटेबल वी आर यूजिंग ऑल ही सोन लॉस्ट ऑल होप ऑफ बिकमिंग रॉक स्टार ऑल लगेज विल बी सर्ज तो लगेज इज सो ऑबियस नहीं होता लगेज के साथ भी हम ऑल यूज करेंगे यानी कि सिंपल सा ध्यान रखना है कि ऑल के साथ में ऑल पेन नहीं होगा ऑल पेन क्लियर ओके okay. ऑल के जस्ट अपोजिट हमें देखना होगा नो no. जहां ऑल का मतलब था सब नो no का मतलब बिल्कुल नहीं है ना जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है सो लेट्स सी नो वी कैन यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हम नो no को इन तीनों के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है और ये क्या कहता है इट इज टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है कोई चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो जो प्रजेंट ही नहीं है है ना जो अस्तित्व में नहीं है या जन जो नहीं है उसके सेंस में आप नो यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो चेयर फॉर मी टू सिट ऑन वहाँ पर मेरे लिए चेयर नहीं थी दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है चाहे आप थोड़ा सेंस देखो या पूरा सेंस देखो नो मींस नो दे हैड नो इमीडिएट प्लान्स टू चेंज हाउसेज यहाँ पे देखा चेयर तो नो चेयर हम यूज कर रहे हैं सिंगलर के सेंस में नो इमीडिएट प्लान प्लान प्लूरल के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल नाउन एंड नो मनी वॉज अवेलेबल फॉर द ऑपरेशन मनी इज अनकाउंटेबल नाउन और उससे पहले भी आप नो no यूज़ करेंगे ओके सो इन दैट वे वी कैन यूज नो विथ सिंगलर प्लूरल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी कोई और वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा हो जैसे इट हैज नॉट मेड तब आपको हैज नॉट मेड के साथ नो no यूज नहीं करना है बल्कि आप यूज करेंगे यहाँ पे एनी ओके नो के प्लेस पे आपको एनी यूज करना होगा जब सेंटेंस में कोई और वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा हो इट हैज मेड एनी डिफरेंस

फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट सम ब्रेड तो मुझे कुछ ब्रेड चाहिए सम कैन बी यूज इन क्वेश्चन इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या फिर किसी से कुछ मांग रहे हो इफ यू आर आस्किंग फॉर सम थिंग इन बोथ द केसेज यू कैन यूज सम वुड यू लाइक सम ब्रेड क्या आप कुछ ब्रेड लोगे तो आप यहाँ पे उसको ब्रेड ऑफर कर रहे हो ठीक है कैन आई हैव समस्ट्रा कैचअप यहाँ पे आप मांग रहे हो ठीक ठीक है, है, तो दिस वे सम का हम offering में और आस्किंग फॉर समथिंग में भी करते हैं सम का यूज हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में करते हैं क्लियर देन वी हैव जस्ट अपोजिट टू इट एनी एनी का यूज जो है हम नेगेटिव सेंस में करते हैं जैसे सम को आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट में किया एनी को हम नेगेटिव में और क्वेश्चन नो no का यूज जब ऑलरेडी स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो हम नहीं करेंगे और नो no के प्लेस पे एनी यूज करेंगे आई डोंट वांट एनी ब्रेड मुझे कोई ब्रेड नहीं चाहिए ओके okay? नो no का सेंस दे रहा है लेकिन एनी यहाँ पर हमें यूज करना होगा डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस दिस इज अ क्वेश्चन तो नेगेटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में आप एनी यूज करोगे और आपको अच्छे से पता है कि हम ये सब कहाँ यूज करते हैं नाउन से पहले ओके इन फ्रंट ऑफ नाउन और बिफोर नाउन देन वी हैव रिमेंबर ओके क्या रिमेंबर करना है वो आपको ध्यान में रखना है कि सम और एनी को सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज नहीं करना है ओके फॉर फॉर एग्जाम्पल कैन आई हैव सम्पल कैन आई हैव सम्पल नहीं होगा इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन सो वी नीड टू टेक केयर दैट नैवर यूज सम और एनी विथ सिंगलर काउंटेबल नाउन्स एप्पल की जगह पर यदि एप्पल्स होता तो योर आंसर वॉज करेक्ट आई कैन आई हैव सम एप्पल्स बट इफ यू आर आस्किंग कैन आई हैव सम्पल इट इज़ एप्सोलूटली रॉन्ग इसके प्लेस पे हमें यूज करना होगा कैन आई हैव एन एप्पल एप्पल के लिए आपको एन आर्टिकल यूज करना पड़ेगा ना कि यहां पर आप सम समिटर्मिना यूज करोगे ओके दूसरा एक और है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यदि आप सुनोगे तो भी आपको कंफ्यूजन लगेगा पॉल ड हैव एनी कार इंस्टेड ऑफ कार यहाँ पे ये नेगेट ये सेंटेंस जो है वो रोंग है क्योंकि कार इज अ अगुलर काउंटेबल नाउन सो अकॉर्डिंग टू रूल सम और एनी को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं इसलिए पॉल पॉल डजेंट एनी कार इज एब्सोलूटली ग्रामेटिकली अंग सेंटेंस बट व्हाट है कॉलकविल लैंग्वेज और इन जस्ट इन लैंग्वेज ओके और यू कैन से सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम पॉल डजेंट हैनी कार भी यूज़ करते हैं कार्स के प्लेस पे ओके बट ग्रामीटिकली इट शुड बी कार्स ओके पॉल डजेंट हैव एनी कार्स प्यूरल आपको यूज करना होगा या फिर आप इसको यूज करोगे पॉल डजेंट है कार ओके सेंस में इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जब आप यूज कर रहे हो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इफ यू आर हैविंग मेनी कार्स और वेराइटीज ऑफ कार्स उस सेंस में आप उसका आंसर दे सकते हो ओके okay? और सम पर्टिकुलर कार की बात करें तब भी वो ऐसा इनफॉर्मल में हम दे सकते हैं इन ग्रामेटिकल सेंस वी विल नेवर यूज कार ओके लेट्स मूव द नेक्स्ट इज मोर मोर इज़ द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी ठीक है मच और मैनी तो सबसे सब पहले आपको मच और मैनी के बारे में जानना होगा मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले और मोर हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले ठीक है एज अ क्वेंटीफाइव जब हम क्वान्टिटी की बात करते हैं ओके मच एंड मैनी मच और मैनी का कंपेरेटिव फॉर्म यानी कि मच से ज़्यादा तो हम मोर यूज करते हैं चाहे वो मच हो चाहे मैनी हो तो इट इंडिकेट्स अ ग्रेटर अमाउंट ग्रेटर अमाउंट फ्रॉम मच एंड और नंबर दैट इज इंडिकेटेड तो मच इज अबाउट अमाउंट एंड मैनी इज अबाउट नंबर ठीक है तो मच और मैनी से ज्यादा अमाउंट कोई चीज है तब आपको कंपेरिजन फॉर्म में मोर यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्लीप मोर तो यदि मैं कहूं कि यू शुड यू शुड स्लीप मच मच का हायर फॉर्म हुआ मोर देन यू डू एट द मोमेंट ठीक है देन आई नीड मोर टाइम तो मोर टाइम मच टाइम मच टाइम की जगह हम इसका और ज्यादा कंपेरेटिव फॉर्म में या फिर ग्रेटर डिग्री में हम यहाँ पे मोर टाइम टू फिनिश द वर्क ज्यादा मत से भी ज्यादा ओके मोर कैन मीन अगेन और एक और मोर का मतलब होता है अगेन दोबारा इट डू इट वंस मोर एक बार दोबारा करो ओके तो मोर का सेंस ये भी होता है that you need to take care of when you are solving any questions in your exam then we have most jaisa humne bataya ki many or more ya much many and more वैसे ही जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मच और मेनी की उसे हम मोस्ट कहते हैं दी मोस्ट ओके एंड मोस्ट विल ऑलवेज स्टे दी विद इट व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मेनी ठीक है इट इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट इन नंबर और क्वांटिटी कैसे यदि हम सिंपल या पॉजिटिव डिग्री में काउंट करते हैं मच और मैनी कंपेरेटिव में काम करेंगे काउंट करेंगे मोर को और सुपरलेटिव में यानी कि ग्रेटेस्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं मोस्ट और मोस्ट के साथ में आपको ऑब्वियसली मोस्ट यूज करना होगा ठीक है तो मोस्ट को हम यूजअली उन चीज़ों के साथ यूज करते हैं हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैपीएस्ट फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव द मोस्ट मनी हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैपीएस्ट ओके सो द मोस्ट मनी यानी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो ज्यादा पैसा नहीं यहाँ पे पूछा हुआ है द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा द ग्रेटेस्ट है ना ओके फाउंड द मोस्ट स्ट्रॉबेरीज दोस्ट स्ट्रॉबेरीज इन देंस इज सबसे भी और ज्यादा बेटर का सेंस लेना चाह रहे हो कंपेरेटिव फॉर्म में तो फिर हमें मोर यूज करना होगा और सुपर लेटिव और ग्रेटेस्ट फॉर्म में हमें मोस्ट यूज करना होगा लेकिन यदि कंपेरिजन नहीं हो रहा है सेंटेंस में ओके उस केस में हमें मोर का मतलब होता है द मेजॉरिटी ऑफ है ना मोस्ट इंडियन अंडरस्टैंड हिंदी इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी ज्यादा से ज्यादा जो इंडियंस है वो हिंदी समझते हैं मोस्ट पीपल लाइक बेबीज मोस्ट पीपल अबाउट ज्यादा से ज्यादा या द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक बेबीज क्लियर मोर एंड मोस्ट देन वी विल सी इनफ

डू यू हैव इनफ मनी मतलब जितनी मनी चाहिए आपको क्या आपके पास है टू पे फॉर योर ट्रेन फेयर एंड टैक्सीज ओके देन डोंट आस्क मी टू डू इट आई हैव गॉट इनफ प्रॉब्लम्स एज इट इज़ ठीक है तो मुझे ये करने के लिए मत कहो मेरे पास इनफ प्रॉब्लम्स है मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मतलब उतनी ही प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं सो डोंट वर मी या मुझे और प्रॉब्लम्स ना दो देयर वॉज enough फूड फॉर अबाउट टेन पीपल दस लोगों के जितना भरपूर खाना था ओके सो इनफ मनी इनफ फूड इनफ प्रॉब्लम्स ये सब बताता है कि जितना किसी को चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना ओके okay? जितना किसी को चाहिए या जरूरत है उतना होने के सेंस में हम इनफ यूज करते हैं इसी का जस्ट अपोजिट होगा लेस ओके okay? सो लेस इज अबाउट वेन वी टॉक समथिंग विच इज लोअर स्मॉलर अमाउंट है ना ज्यादा से कम लेस लेस समथिंग में हम यूज करते हैं ही वॉज एडवाइज टू स्मोक फ्यूअर सिगरेट एंड ड्रिंक लेस बियर किसी चीज से कम जैसे कि लेस बटर लेस टाइम लेस इम्पोर्टेंस लेस लेस बी ओके लेस टू डू वी हैव लेस टू वरी

very soon will be back the victory was nothing less than a miracle miracle से कम नहीं होना ओके okay? तो कम के सेंस में हम less का यूज करते हैं It is less of a problem problem than I had expected. मैंने जो प्रॉब्लम एक्सपेक्ट की थी उससे ये कम है ठीक है तो किसी से कम होने के सेंस में हम अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ समथिंग वी यूज लेस लेस ऑफ समथिंग लेस टू डू लेस कंपेरिजन सेंस में या फिर एक्शन के सेंस में या फिर किसी चीज से कम क्लियर देन सी अ लॉर्ड ऑफ एंड लॉट्स ऑफ अ लॉर ऑफ एंड लॉट्स ऑफ जो है वो हम इनफॉर्मल स्टाइल में यूज करते हैं मीन्स वेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड ऑल लॉट्स ऑफ जो है वो और ज्यादा इनफॉर्मल है ओके लॉट ऑफ से अ लॉर्ड ऑफ से लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ कैन बोथ बी यूज विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन ओके सो वी कैन यूज देम विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन क्योंकि लॉट जो है वो एक से ज्यादा की बात करते हैं ओके एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ठीक है अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर अफॉर्मेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन लॉट और लॉट्स ऑफ वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू बहुत सारी चीजें हमें करनी है बहुत सारे के सेंस में हम लॉट्स ऑफ और लॉड ऑफ यूज करते हैं दैट्स अ लॉर्ड ऑफ मनी ओके दे लॉ ऑफ चॉइसिस कैन यू हरी अप आई डोंट हैव अ लॉर ऑफ टाइम तो आप यूज किससे पहले करो देखो मनी टाइम ओके दिस इज टूरल काउंट अनकाउंटेबल नाउन चॉइसिस लॉट्स ऑफ थिंग्स काउंटेबल नाउन्स बट तो अड ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में या फिर अनकाउंटेबल नाउन के लिए और ये जो है इनफॉर्मल्स टाइप ऑफ Uh, informal style of language meham use karte. okay so this way we have seen all the determiners and uh, not all the we have seen all the quantifiers the remaining series of determiners we'll be doing in the upcoming videos so please watch all these carefully and uh, try to solve the amstruck which you are which i'm providing you on whatsapp thank you so much for watching this video thank you